गाइस हम लोग अभी कोकण में जा रहे हैं, सिंधुदुर्ग में हेलो गाइस, तो हम लोग अभी पहुंचे सावरडा। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे गांव में। आपको दिखा था वो हमारा गांव का सब कुछ, हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से स्पॉट घूमने जाने वाले वो सब दिखा था वो। अभी हमारा फाइनल स्टेशन आने वाला है। ऑटो रिक्शा पकड़ा है तो हम लोग अभी पहुंच गए। बड़ी कौन सा गांव है ये? कनकवली। हम लोग कनकवली आए। ये देखो ये सब घर है यहाँ के। ये देखा आपने, अभी हम लोग कोकण और घूमने वाले, आपको अभी दिखाते। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी पहुँचे शिरवल में। मैं आपको दिखाना घर भूल गया, मेरे दोस्त के मौसी का घर है जो हम लोग स्टे कर रहे हैं। ये देखो ये घर, अभी अंदर ही जा रहा हूँ। ये मैं लेट वीडियो निकाला, पहले तो हम लोग अलग गांव में थे और अभी दूसरे दिन हम लोग इसके मौसी के घर पे आए और स्टे करने के लिए। और देखो कुत्ता देखो भूख रहा है। देखो मालवणी तड़का, मालवणी जेवण रियल आहे कोकणाचं जीवन। वो देख रहे आप कैसा बारिश मौसम। आप अभी इंडिया में तो ऐसे बहुत प्लेस है लेकिन कोकण ही ऐसा जो रीजन है जिसमें आपको बहुत मतलब पूरा स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। ये नेचर है, टोटली नेचर है देखो। और हम लोग अभी चल रहे एक अच्छा स्पॉट पे जा रहे हैं। हम लोग इधर के जो लोग हैं उन्होंने सीढ़ी देखो कैसे बनाया है। ये देखो नीचे जाने के लिए, नीचे भी एक गांव है। ये सब रियल कोकण वालों ने, कोकण वासी तो बहुत बहुत कला है उनमें। ये सब देखो कैसा सीन है, देखो पूरा बारिश गिर रहा है और ये देखो कैसा बनाया है लोग ने। यावरे पेड़ कोकण के, और ये सब माहौल देख के इतना अच्छा लगता है ना, जैसे कि स्वर्ग ही है रियली।
गाइस ये है चक्की, गांव का चक्की, देखो कैसा है। और ये गांव का दुकान है, यहाँ पे सब जितने भी लोग है गांव के रहने वाले यहाँ पे सब शॉपिंग करते हैं। और ये चक्की है, बाकी आप बारिश की आवाज़ सुन रहे हो। तो आज की दूसरी सुबह है, आज की तारीख क्या है रे? 30। हाँ सॉरी 30 तारीख है आज की। कल हमारा बहुत हाल हुआ था, कल ये ट्रिप में हम लोग रात की गाड़ी पकड़े थे कोकन कन्या, लेकिन वो मिस हो गई हम लोग की, तो हम लोग ने वापस तुतारी एक्सप्रेस पकड़ा। तो ये हो गया, हालत हो गया बेकार, तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचा, इसलिए मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं चालू कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए एक्टिविटीज़ क्या क्या इधर क्या क्या है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तुम लोग मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, ये किसी जंगल से कम नहीं है, मेरे घर के बाजू का ही नज़ारा है। तो भाई लोग ये देखो नज़ारा, बारिश ने अभी इतना पानी पूरा भर गया है यहाँ पे खेती का। और ये जो देख रहे हो ये देखो, ये दीवार जैसा है कुछ, तो ये यहाँ पे तालाब है, इसको ये बोलते हैं डैम बोलते हैं। कोकन ऐसा जगह है जो कि बारिश में यहाँ पे इतना मज़ा आता है, देखो अभी बारिश से मज़ा ही ले रहा हूँ। तो गाइज अभी आप भी ऐसे, मतलब मैं तो, मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, तो मैं करता हूँ ब्लॉगिंग। और अभी मोस्ट ऑफ द मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, व्हाट्सअप वाले, यूट्यूब वाले, जो भी मुझे मिलेंगे मैं उनको भी सोशल तक पहुँचा दूँगा। दिखने चाहिए कि आजकल के मतलब लड़के लोग क्या करते हैं और कितना टैलेंट है उन लोग में। तो मैं अपना टैलेंट के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आपको दिखा रहा हूँ आज, पूरा दिखाने वाला हूँ मॉल यहाँ का। तो गाइस ये जो देख रहे हो ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पे गाँव वालों को एक्सचेंज में देते, जैसे चावल दिया तो एक्सचेंज में कुछ तो मिलता है। देखो ये ऑफिस है उनका, ग्राम पंचायत का, ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली है कोकन। और ये देखो ये जो देख रहे हो ये हनुमान का मंदिर है, ये देखो शिवजी का भी अलग से मूर्ति यहाँ पे बिठा है। और ये हमारा मेरे दोस्त का जो घर का जो साइड में से जो गांव है वो पूरा एरिया है, यहाँ का इलाका है। भाई ये देखो पूरा झरना यहाँ का पूरा फूल हो गया है। ये देखो गाइस इतना बारिश गिरा है तो पूरा ये बहने लगा है। यहाँ पे एक तालाब है, वो तालाब पूरा बह रहा है, ये रोड के आर पार सब पानी जा रहा है। यही है असली मजा, ये देखो बहुत गहरा पानी है साइड में से, तो बीच में से ये रोड गया है, रोड भी दिख रहा नहीं इतना पानी बह रहा है। हाय गाइस वेलकम बैक, वी आर तालाब, इसलिए मेरे पीछे देख रहे हो पूरा तालाब से ऊपर का पानी पाले थे, तो ऊपर से हम लोग अभी यहाँ पे कोई फिशिंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने वीडियो देख रहे हो आप, तो कोकन का मेन मतलब बारिश होने के बाद कैसा चालू होता है सीजन में, ठंडी के टाइम में मतलब कोई घर से बाहर निकलता भी नहीं, इतना मतलब मौसम रहा है। मौसम में हमने फ्रिज भी निकाले और यहाँ पे हाथ में सिर्फ 5 मिनट के लिए बारिश होती है, थोड़ा सा भी हल्का हल्का हो रहा है। अभी
सुबह हो गया है, 11:15 बज गए, लेकिन तभी भी अभी मेरे दोस्त लोग आ गए यहाँ पे फिशिंग करने के लिए। ये मेरा एक वो फिशिंग करने के लिए आया है, मेरा एक दोस्त फिशिंग करने के लिए, अक्षय चलो। ये स्पेशलिटी ऑफ कोकन। ये देखो घर देखो कैसा बांधा है, कैसा स्ट्रक्चर किया है देखो। और ये आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ, कोकन का स्कूल। ये देखो ये गांव की शाला बोलता। तो ऐसे मैं ट्रिप कर रहा हूँ यहाँ पे, ये गांव में छोटे से, और बहुत कुछ दिखाऊंगा।